मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। फेसबुक पर देखते हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर जहां राजनीतिक गलियारों में कुछ राजनेताओं ने जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे एक बीज बोया है और ये नफरत की बीज जो है इसमें कुछ जो न्यूज़ चैनल है, मीडिया भी वो भी शामिल है, उनका बहुत बड़ा एक रोल है। जो हिंदू और मुस्लिम का जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा एक अपने चैनल के ऊपर बिठा के जो है हिंदू को हिंदू का बात पूछते, मुसलमान को मुसलमान की बात पूछ के जो ये आग लगाते हैं इस देश के अंदर, जो आज इतनी नफरत की बीज बोई गई है इसी देश के अंदर। मैं आपको एक बिहार के अंदर मैं एक गाँव में लेके चलता हूँ आपको। वहाँ पर जो है एक मस्जिद है जो तकरीबन 300 साल पुरानी है और मस्जिद का जो है यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ कोई मुसलमान नहीं है इस गांव के अंदर, सारे के सारे हिंदू दलित समुदाय के लोग हैं। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पांचों टाइम जो है अजान का आवाज़ हर वक्त जो है वहाँ अजान की आवाज़ आती है पाँचों वक्त, और ये कोई और नहीं, ये वही हिंदू भाई लोग हैं जो कि वहाँ पे एक परंपरा के नाम पे जो है उनको पता है कि मस्जिद के अंदर पांच टाइम की अजान होती है। उस मस्जिद के अंदर जो है उन्होंने एक लाउड स्पीकर लगाया, एक मेमोरी कार्ड लगाया है और उसके अंदर जो टाइम के जो एक वक्त होता है उसी वक्त में जो है उसे चालू करके और अजान दी जाती है। आइए हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं वहाँ की। कोई भी शादी विवाह या कोई भी छोटा मोटा या बड़ा कार्य करते हैं तो सबसे पहले ये मस्जिद की ओर आते हैं और यहाँ आकर के चरण स्पर्श करते हैं, उसके बाद ही कहीं जाते हैं। पांच बार होता है, क्योंकि यहाँ तो मुस्लिम भाई है नहीं, ये हिंदू भाई लोग हैं, तो क्या किए हैं लोग मेमोरी कार्ड में ला करके और सिस्टम सब यहाँ लगा करके और पांच टाइम नमाज मैंने उसी से इलेक्ट्रॉनिक मशीन से देते हैं। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मति दे, अल्लाह और ईश्वर एक ही है, कोई दूसरा नहीं है, तो हम धर्म के नाम पर क्यों लड़े, ये बेवकूफी है। इस गांव के लोग मस्जिद की सफाई और मरम्मत का काम करते हैं। आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है, हम लोग यहाँ मुसलमान और हिंदू एक साथ रहे हैं, जरा सा भी हम लोगों में कमी नहीं आई। और ये लोग भी हम लोगों को, यहाँ तीन को जमींदार थे, हम लोगों पर कभी भी अत्याचार नहीं किए। सबको एक दिन एक ही जगह जाना होता है, इसीलिए इसके बारे में कभी किसी की द्वेष नहीं होनी चाहिए कि वो मंदिर में पूजा करता है, वो मस्जिद में पूजा करता है, गुरुद्वारा में करता है। और हम लोग यही समझे कि हम लोग सिर्फ भारतीय हैं तो भारतीय हैं, मजहब जात से कोई लेना देना नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब एक है। माड़ी गांव की जनता के हैसियत से कि हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। भारत के हर कोने में और क्या हकीकत है वो भी देखिए। और इन नेताओं को इस ये चीज़ देख के जो है उनको शर्म आना चाहिए और ऐसा हिंदुस्तान के अंदर ये नफरत की बीज ना बोए जाए। मैं इन नेताओं से जो है कहूँगा कि आप अपनी राजनीति अपने राजनेता तक ही रखो, अपने विधानसभा तक ही रखो, अपनी ज़िंदगी तक ही रखो। हिंदू मुस्लिम की कोई नफरत की बीज बो के ना देश कोई तरक्की पे जाएगा, ना कोई मुल्क तरक्की पे जाएगा। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।